देखिए मामा मुझे रास्ता नहीं मालूम, तुम चलोगे? मैं आगे आगे चल रहा हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। रघुबारी संगी जा भई अपना अवध मारही बे, ओ रघुबर संगी जा भई अपना अवध मारह बे, रघुबर संगे जा भई अपना अवध मारह। जब मोरे रघुबरी रत पर चली है पैदल चली जा भई अपना अवध मार, पैदल चल गंगा का सिद्ध की पुनी शर्मा की, पैदल चली जा भई अपना अवध मारबे पैदा। अरे ये दूर चले, किसका किला दिखाई दे रहा? अरे भैया ये किला, ये कौन नगर है? ये है गढ़ कनौज। ये गढ़ कनौज है? लाखन राणा का राज्य है ये। ए भैया एक बात तो आपकी बताओ कि हम भूलिन गए। वो कौन सी बात है मामा जी? लाखन राणा बहुत बलवान, बहुत बहादुर है। हाँ। ए भैया क्या है, बताए कि न बताए? क्या बात है मामा, बताओ कौन सी बात है? बता रहा हूँ, बता रहा। किस बात की है? आज तक इनके राज्य में किसी का धौंसा बजा नहीं। अगर किसी ने अपना धौंसा बजा भी दिया इनकी राज में तो उसका सर काट लिए हैं, छोड़े नहीं। क्या कहा मामा? तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? भैया हो अगर मेरी बात माने आप तो थोड़ी देर। क्या बात है बोलो। भैया हो हमारा कहा माना तो बोलो मामा क्या बात है? तनिक देर के धौंसुआ बंद करा लेते और ये कनौज डाक जाते तो वो कैचिया बजौता नहीं। इनके नगर में किसी का धौंसा नहीं बजा है? नहीं भैया। और तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपना धौंसा बंद करा दूं? हाँ भैया, लड़कुआ ठाकुर तू है, लड़कुआ ठाकुर न हुआ मेरा धौंसा बंद करने वाला कौन ऐसा पैदा है? मेरा धौंसा नहीं बंद होगा, बजा धौंसा। मामा पलागी। ओहो संजय बेटवा। मामा अरे बावनो जिला के राजा महाराजा सब स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा मामा, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? हम और चली जा। बिल्कुल चलो, तुम भी चलो, अपनी माता जी को साथ में ले लो। हाँ? अपनी औरत को साथ में ले लो, पिताजी को भी ले ले, पिताजी को भी ले लो। वही कह रहे हो, और पिताजी रहेंगे साथ में तो और अच्छी बात है। पूर्ण स्नान होगा। बबलुआ कह रहा अठाईसा वाला, वो नहीं देखा? अठाईसा वाला बबलू? हाँ। अब नहीं आए? गंगा कैसी वाले के लगे बैठा बाबू। हाँ हाँ बैठा। अरे बबलू। अरे यार, अरे आओ मामा। करे बबलुआ। हाँ मामा। तहू तो कह रहे कि स्नान करे, चल बे बैठा यहाँ, चल बे। न कहा चल बे मामा, न चल बे तुम्हारा बीसन। चल बे चल बे, तैयार हो गया। चलो मामा चलिए। बबलुआ बबलुआ की तू जा तैयारी कर। मामा जा तैयार हो जाए। तैयार हो जा मामा। हाँ तो हाँ घोड़ी ले साथे हम जाए। चलो देख हमारा घोड़ी। हाँ? संतु प्रधान जो मंदिर बनवाए हैं। हाँ हाँ। वही मंदिर के पीछे बांधी बा। वही बात जाए खोल लेगा। खोल जिलाओ का ख्याल कह रहे का तो जान पावे। चलता है खोल। बहुआ वाले आए हैं बहुत सारे चोर हैं। चलता है खोल भैया। घोड़ी हमारे खोल लगी है तो हम उनका हुलबो कर। मामा हो जाते खोल भैया जी। हाँ तो अब मजा कैसे बजाए? मामा के पास झगड़ा लड़ाई वाली नौ खूंटी बा। अब जहाँ गाड़ देव गंगा कैसी के लगे गाड़ देव तिजोर बुक तो बुक लेके दिल्ली से आया।
सब तितिर बितिर हो जाई है के इलाहाबाद के रायबरेली के जौनपुर के सुल्तानपुर एक जने हिया रह जाई है केसरी अकेल मैनेजर साहब ए बरे मामा से मिल के रह जाए तो दुई परानी एक लगे रह जाओ अलग अलग कह जाइए ऐसी बुद्धि लगा दी हमार ना उलाई उड़ाई के परिहार माहिर मामा कहा तहा धौसा न बंद कराओ और लाखन राणा बहुत बहादुर आदमी है किसी के बात वो सुनते नहीं है चल रहा हूँ लाखन के पास और कह दूंगा कि उदल बड़े गुरूर में तुम्हारे राज में धौसा बजाते हुए आ रहे हैं अब आज तक तुम्हारे पुरखों के जमाने की बात है कि तुम्हारे राज में किसी का धौसा अब अगर आज उदल तोहरे राज से धौसा बजा के चला जाइए तो तोहरे बुजुर्गन तक दाग लग जाए इतना सुनते तो आग बबूला हो जाइए दोनों में तलवार चलेगी और इशारा कर दूंगा उदल का सर लाखन से कटवा लूंगा हमारे बेटे भाई की दाव मुझे अरे लाखन राना कनऊ जवाला तबेटवा रतिया भान कै लाल लाखन राना कनऊ जवाला बेटवा रतिया भान कै लाल बारा रानी का इकलौता सोला रानी का श्रृंगार बारा रानी का इकलौता सोला रानी का श्रृंगार तुम्हें लड़ाई दिए बलाखन से हुरमत माटी मां मिल जाए तुहई लड़ाई दिए बलाखन से तब छाती कई दाह बुटाए खाल खिंचाए ले भूसा भराई दे तब छाती कर दाह बुटाए और बन गया काम मेरा रही ना कसर बन गया काम मेरा रही ना कसर चल के लाखन को फौरन मैं कर दूं खबर चल के लाखन अब नौ कूटी में एक कूटी गाड़े चलते ही लड़ाई वाली अब देखा कि हम का करी था मामा जो ना जब तक उदल के मुंह सर न कटवा ले है तब तक चैन से न बैठी है आकाश पाताल मित्र लोक तीनों लोक के भ्रमण कह डाऊ उदल के मुंह हम जरूर कटवा ले अरे बीच बजरिया टटक टटक टक अरे बीच बजरिया खटमल काट कैसे निकालू चोली से बीच बजरिया और बीच बजरिया खटमल काटे कैसे निकालू चोली से चुनरी से लहंगे में आया लहंगे से चोली में पहुंचा चोली से यूं झाके जैसे झाके दुल्हनिया डोली से बीच बजरिया बीच बजरिया खटमल काट कैसे निकालो गढ़ कन्नौज के महाराज छत्रधारी लाखन पधार रहे हैं महाराज की जय हो महाराज की जय हो मेरा ही नाम लाखन सिंह है मैं गढ़ कन्नौज का रहने वाला हूँ बिल्कुल ठीक ये बताओ हमारे राज का समाचार राज का समाचार ठीक है सरकार प्रजा खुशहाल है आपकी जय जय कार्य कर रही है प्रभु अरे कोई है भैया दरबार में कौन हो भाई अरे छत्रपति महाराज लाखन सिंह दरबार में मौजूद हैं हाँ भैया छत्रपति लाखन सिंह दरबार में मौजूद हैं उनसे कह दो कि माहिल मामा आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है सरकार क्या बात है
माहिल मामा आपसे मिलना चाहते सरकार। आने दो, चले आओ भैया चले आओ। छत्रपति महाराज लाखन सिंह, जय हो। किसलिए पढ़ाए मामा जी, क्या गांव है आज? आने का कारण क्या आपको ये नहीं मालूम कि जेठ दशहरे का पर्व पड़ा हुआ है तो, और बिठूर में बहुत विराट मेला लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तमाम जिले के राजा महाराजा सब वहाँ पधार रहे हैं। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े नौजवान सब मेले में पधार रहे हैं। क्या आप ऐसे बैठे रहेंगे, आप नहीं चलेंगे क्या? और ये सब बात छोड़िए, मैं आपको जो खास बात बताने आया हूँ वो ये है कि जो आपके राज में कभी नहीं हुआ है वो होने वाला है। क्या बात है मामा, क्या होने वाला? बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं। बात ये कि आज तक आपके राज्य में किसी का धौंसा नहीं बजा है बुजुर्गों के जमाने। क्या? और आज महोबे के उदल तो आपके राज्य से धौंसा बजाते हुए जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो मामा जी, हमारे राज में किसी का धौंसा कभी नहीं बच सकता है। अगर धौंसा बज गया तो बुजुर्गों के साथ पुस्तक कलंक का टीका लग जाएगा। नहीं मामा, ऐसा हो नहीं सकता है। पावन जिला के राजा महाराजा आपको धिक्कारेंगे, कहेंगे बुद्धि हो कायर हो। नहीं ऐसा हो नहीं सकता मामा जी, बिल्कुल नहीं होगा। धौंसा बजना नहीं चाहिए। नहीं मामा, नहीं मानते हैं तो पहुँचते पहुँचते उनका सर काट दे। ठीक है मामा जी, ऐसा ही होगा मामा। ना रहे बात और ना बजे। ठीक है मामा जी। अबे मर्द ही है, नहीं तो फिर जान लिया बेटवा हो तो शेर पैदा हो, नहीं सियार न पैदा हो और होबो करे तो पैदा होते मर जा साहब। नहीं मामा जी, लाखन सिंह के राज में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे राज में कोई धौंसा बजा कर चला जाए। शाबाश शाबाश, फिर उरई के परिहार चलते हैं। धौंसा नहीं बजेगा, धौंसा नहीं बजना चाहिए। जी नहीं मामा जी, मैं चल रहा हूँ, ख्याल रखना। ठीक है मामा जी, चलो। की हिम्मत कैसे पड़ी, धौंसा कैसे बजेगा? बिल्कुल नहीं बजेगा। किसी की हैसियत नहीं है मेरे राज में धौंसा बजाने। अगर कोई धौंसा बजवाएगा उनकी मुड़ी काट लूंगा मैं। जी हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते चलो। बजे धौंसा महबे वालों का। धौंसा यहाँ पर किसी का नहीं बजेगा। धौंसा नहीं, किसकी मजाल है कि लाखन सिंह के राज में किसी का धौंसा बज सके? किसी का नहीं बजेगा धौंसा। धौंसा बजेगा, धौंसा नहीं बजेगा। धौंसा बजेगा, नहीं धौंसा बजेगा। इसका मजाल है, महबे वाला का धौंसा रोक लेगा। धौंसा किसी का नहीं बजेगा, महबे वाले का बजेगा। नाम क्या है, कहाँ से है आना हुआ, फौज हमरा हलाने का क्या काम है, धूप जयचंद लाखन सुभटवीर का क्या सुना तुमने अब तक, नहीं नाम है। भैया है दशराज का लाल हूँ, ना सुनो गर्म है मेरा गाम है, बेदुला का चढ़ंगा मचैया समरी, तुम्हो लाखन तू दल मेरा नाम है। धौंसा बजे किसी का, जीवा मेरे न धौंसा किसी का बजे, ध्यान कहने पे मेरे उदय चंद दो, चाहते हो कुशल अपनी और जान की तो अभी अपना धौंसा करा बंद दो। किया दूर है जीवला छैया उदय राज बलवान की, देखो मशहूर दुनिया में तलवार है। हाय अगर दिल में अरमान कुछ जंग का, भाग जाना दिखा पीर सर से नहीं, मुंह न दिखलाऊं संसार में, सर जुदा तेरा करना सकूं तो किया।
जानकी गंगा तक देखू दल तेरे, आज खून से प्यास बुझ जाएगी के पान की। बजे धौसा नहीं बजे बजे मोहबे वाले को धौसा बजेगा। मैं कह रहा हूँ लखन सिंह के आवाज में नहीं बजेगा। लाखन के ऊपर वार है, क्या गजब करता कुवारी लाखन के ऊपर वार है, और बीरू दल न्यान में अपनी करो तलवार है। भगनी चंदेले की तिलका ताको सुतला खजाए, भगनी चंदेले की ये तिलका ताको सुतला खजाए, और है फुफेरा भाई तेरा तेरा भाई चल चितुधार के। छत्रधारी है ये लाखन भेंट कुछ दे करी से, और मिल गले इनके उदासीन दोनों बाहें पसार के। बेटा उदल, लाखन तुम्हारा फुफेरा भाई है और तुमसे बड़े हैं, इनके ऊपर तुमने तलवार की उठा लिए। चाचा जी मैं नमाज अदा करने चला गया था, माहिल ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? चाचा जी मुझे क्या मालूम कि हमारे फुफेरे भाई हैं, उन्हें इतना बड़ा पाप इतना बड़ा अपराध में कर डाला कि जो राजपूत खानदान नहीं है, जिन भाई के सामने सर नहीं उठाना चाहिए उस भाई पर मैंने तलवार उठाया। कितना बड़ा पाप किया चाचा जी, मैंने पहचान नहीं पाया, ना मैं समझ पाया, ना मामा ने मुझे बताया। छत्रधारी है ये लाखनी भेंट कुछ दे करी से, और मिल गले इनके उदय सिंह दोनों बाहें पसार के। क्या तुम्हारे बड़े भैया हैं, इनसे हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगिए। ये हमारे फुफेरे बड़े भाई। हाँ फुफेरे बड़े भाई, मैं इनके सामने कैसे सर उठाऊं? ये हमारे राजपूत खानदान में नहीं है, अगर ये बात है इस पाप के लिए क्षमा के लिए मैं जरूर अपनी किए हुए गलती की माफी मांगूंगा। भैया क्या बात है, मुझे माफ कर दो, मैंने पहचान नहीं पाया, अनजान में बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए मैं आपसे किए हुए उस गुनाह की मैं माफी चाहता हूँ। और हुआ अनजान में अपराध है भारी भैया, हुआ अनजान में अपराध है भारी भैया, और माफ कर दीजिए खताया हमारी भैया। अरे वीरता देख कर, अरे वीरता देख कर, ये इस तौर तुम्हारी भैया, खुश हुई आज ये तबीयत ये हमारी भैया, के तारीफ मुझे ज्यादा नहीं शर्मा।
हर जोली के करता गु हजारी भैया अर्ज कर जोली कर कर पलट के पगड़ी तुझे यार मैं बनाता हूँ अरे पलट के पगड़ी तुझे यार मैं बनाता हूँ न करो दिल में कोई सोच बिचारी भैया देखे आपने क्या कहा पलट कर पगड़ी तुझे यार मैं बनाता हूँ न करो दिल में कोई सोच बिचारी भैया देखिए भैया ये भाई का रिश्ता ठीक है लेकिन याराना जो होता है ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है जी हाँ भैया आप भाई से यार बनना चाहते हैं ऐसे नहीं भाई का रिश्ता ठीक है अगर यार बनना चाहते हो तो ठीक है यार बनने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन उसमें शर्त ये है क्या बात है भैया शर्त ये है राणा लाखन क्या बात है कि एक कसम खाओ ये गंगा घाट पर पलट कर पगड़ी यार तुझे मैं बनाता हूँ ये ठीक है लेकिन ये कसम खाओ कि जिस दिन उदय की मौत होगी उस दिन राणा लाखन की मौत होगी जी भैया मैं कसम खा के कहता हूँ भैया क्या जिस दिन मौत होगी इस दोनों की लाखन भी और उदल की भैया ये बात है ये बात ठीक है जिस दिन राणा लाखन की मौत होगी उस दिन उदल की मौत होगी ये रहा ठीक है अब धौसा दोनों को बजेगा ठीक है भैया ठीक है ना जी भैया भाभी ये राणा लाखन है अरे चाचा जी प्रणाम अरे मामा जी क्या बात तुमने मुझसे बताया नहीं कि तुम्हारे मेरे भाई है और अभी हम न आ जाते तो दो बीर में एक ही बीर बचते मैं तो लेकिन कैसे मुठभेड़ हुई है दोनों जने तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे फुफेरे भाई हैं ये तो मैं नमाज अदा करके पहुंच गया तो हमें क्या मालूम कि ये दोनों भाई अरे अभी तो दो भाई में हमें कह जाते और तुमने बताया नहीं तुम्हारे फुफेरे भाई है चलो जाओ यहाँ से अनर्थ हो जाता ये भाभी माँ है अच्छा भाभी माँ भाभी माँ क्या भगवान तुम दोनों की जोड़ी जैसे कृष्ण और सुदामा भाभी माँ जी भाभी माँ खुश रहो देखिए अब चलना चाहिए घाट पर भी ठूर के चलिए वो गंगा मैया की बजा धमसा राणा लाखन उदल दोनों का धमसा बजेगा चली तो लेकिन मजा कहे नहीं आए यह मुसलमान आके सब मामला खोज दे लेकिन अबे एक खूंटी तो गाड़े ही अबे हमारे पास आठ खूंटी बा जब तक हम उदल के मूड कटवा न ले तब तक चैन से न बैठब अबे तो बहुत राजा महाराजा बावन जिला से अब और काई कितना जिला बन गया है सब वहाँ इकट्ठे हैं अभी तो मेले में पहुंचे नहीं है भाई तो रास्ते में ही है हम बिना इनके मूड कटवा ले छोड़ब ना जब तक इनके मूड कटवा न ले तब तक हमारे बेटवा भाई की छाती दाव मिले ना और हमारी छाती के दाह बुताए ना अरे पनवा ऐसे पातरी हो कुसुमवा ऐसे सुंदरी हो कुसुमवा ऐसे
सुंदरी हो मोरी धनिया। ठेकेदार के नाती भा है कटरा छतरधारी बा। मोरी धनिया तोरे तो भाए हैला लनवा हो रिलवा बाड़ा सुंदर हो ललनवा। दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज दरबार में पधार रहे हैं। द्वारपाल जी महाराज जी, और सब ठीक तो है ना? ठीक है महाराज जी, ठीक हो रहे हैं जी। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी हमारी प्रजा किसी कष्ट में ना रहे। अगर किसी प्रजा को किसी तरीके से तकलीफ है तो तत्काल तुम मुझे सूचित करोगे। घर के झगड़ा हमारे हो गया। झगड़ा? बात मत बड़ हो गई झगड़ा। मजे गंभीर आई एक दिन बूढ़ा मारे दौड़िन बहुहर कहे गऊ बउराई। दांत पीस के कहे पतोहिया साफ है इज्जत लेहू बचाए। अकांचित हमारे अगवा अवबुत झोटी पकड़ देव लतियाए। खोपड़ी घूम गया जब बूढ़ा कत एक घस पिटना दिन जमाए। बहुर पटक दिन बूढ़ा का बूढ़ा हाय हाय चिल्लाए। छाती पीट के बूढ़ऊ बोले दुल्हिन काहे गयू रिसियाए। कहन हे दहिना ती तू का बोलिया तोहरा काल गवा निचकाय। कहन आवाज जा घर वासा जनका तो तोहरा खाली लेब खिंचवाय। बेटवा आयल जब घरवा कत सो जाए भीतरी दबाए जाए। बहुहर सुसुक रहाई खटिया पर उनसे पूछे हाल हवाल। कहा लैला आपन माई दादा हमका दया नैहर पहुँचाई। इतना सुनता गुस्सा हो जाए दादक लगे उ पहुँचा जाए। हे दादा दादा कहीं गोरा माई दादा सारे बोलते नाई। दादक पटक देहन देहरी पा दादा सुरपुल सिधार।